यूक्रेन का नाटो सदस्य बनने का खिलाफ है रूस। एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री। एयर रेड सायरन्स ब्लेयर्ड इन कीव आफ्टर प्रेसिडेंट पुतिन्स स्टेटमेंट वाज ब्रॉडकास्ट। रूस, अमेरिका और नाटो से इस बात की गारंटी भी चाहता था कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य ना बनाया जाए, लेकिन अमेरिका और पश्चिम देश इस बात के लिए राजी नहीं है। रूस ये नहीं चाहता था कि उसकी सीमा के पास तक नाटो सैनिकों की पहुंचा हो। यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस पिछले कई दिनों से सीमा के पास भारी संख्या में अपने सैनिकों को झमावड़ा लगाया हुआ था। रूस का कहना है कि यूक्रेन की वजह से अमेरिका और नाटो के मेंबर वाले देश उसकी सीमा के नजदीकी फेट बनाना चाहते हैं। साल 2014 में रूस ने क्रीमिया पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जिसके कुछ ही वक्त के बाद यूक्रेन के डोनेस्क और लुहास्क में रूस समर्थक अलगाववादियों ने इन क्षेत्रों को स्वायत्त घोषित कर दिया। फ्रांस और जर्मनी ने इन क्षेत्रों को स्वायत्त घोषित करने के लिए यूक्रेन और रूस में समझौता भी हुआ, लेकिन टकराव बना रहा। रूस और अमेरिका के बीच मतभेद। यूक्रेन के डोनेस्क और लुहास्क को व्लादिमीर पुतिन की ओर से अलग देश की मान्यता देने के बाद वैश्विक स्तर पर तनाव गहरा गया। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस और अमेरिका के बीच रिश्तों में मतभेद बने रहे हैं, लेकिन यूरोप से सटे कुछ आज़ाद राष्ट्र अमेरिका और कई पश्चिमी देशों के संपर्क में आए और नज़दीकियां बढ़ी, लेकिन ये रूस को कभी नहीं भाया। यूक्रेन संकट को अमेरिका और रूस के बीच एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई के तौर भी देखा जा रहा है। साल 2019 में व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के यूक्रेन के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद नाटो में शामिल होने की कोशिश तेज कर दी गई। यूक्रेन की सीमा के पास हजारों की संख्या में रूसी सैनिकों के जमावड़ा से अमेरिका और नाटो ने कई बार चेतावनी देते हुए नाराजगी जताई। अमेरिका समेत कई देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 से अब तक कई टकराव में 3,000 से भी ज्यादा नागरिकों की जान जा चुकी है।